यहाँ पे सब भूखड़ है, दूसरी भूखड़। हे गाइस, डे टू, सुबह के बज रहे 6:30 बज रहे, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और हम लोग सनराइज देखने जा रहे हैं। चलो चल चल, क्या हो गया? तो गाइस, मैं अभी आपको एक बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखाने वाला हूँ, बहुत मजे आने वाली है। द रीज़न वाई आई एम वेयरिंग दिस, क्योंकि यहाँ पे इतनी ह्यूमिडिटी है कि मेरे बाल घुंघरालू हो गए, जो मुझे पसंद नहीं, कभी कभी पसंद है कभी कभी नहीं पसंद, इसलिए मैंने ये पहना हुआ है। सो चलो ऊपर डेक पे। गाइस हम पहुँच गए डेक, अब हम इंतज़ार करेंगे सनराइज़ का। पूरा डेक फॉर अ रीज़न गीला है क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत है। सुबह हो चुकी है लेकिन अभी भी हम लोग सनराइज़ के लिए रुके हुए हैं, जो जिसको बहुत टाइम लग रहा है, तो अभी इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग बस। हेलो, सुनो, क्षितिज की मम्मी, क्षितिज की मम्मी, क्षितिज की मम्मी सनराइज आने वाला है। गाइस तो फाइनली सनराइज हो चुका है और क्या नज़ारा है अभी आप लोगों को पता नहीं है, और कितने सारे लोग आ चुके हैं सुबह सुबह, पूरा क्रूज भर चुका है, मतलब पूरा नहीं बट आ गए कुछ लोग, तो आ गए पीछे ये मेरे समझ नहीं। एक और ले गुड टू सी। मैंने क्या लिया है? नेपाली अब मेरी दो तीन फोटो और बहुत ज्यादा प्राइस भी होता है ना। माँ ये पकड़ना चाह रही है, ये देखो ऊपर वाला थोड़ा ऊपर, ये क्या है, ये फोटो कभी खत्म क्यों नहीं होते? ये लो, मैं भी दिखा देता हूँ, ये रो, हाथ रखो, वैसे हाथ रखो, हाथ करो। हाँ हाँ हाँ, पकड़ लिया। ये बात तो मैंने नोटिस की नहीं कि मुझे ऊपर जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ठीक मेरे रूम के बाहर, अरे एक सेकंड, साक्षात सनराइज प्रकट हो गया। ऊपर जाने की जरूरत नहीं थी बिल्कुल, क्योंकि बहुत अच्छा व्यू मेरे रूम से ही है। ये देखो, ये बुक कर दो प्लेट सब दो ले खा रहे फ्री, क्या बोल रहा है, सब दो दो तू लेना सब, यहाँ पे सब भुक्कड़ है, सबके सब भुक्कड़ है, दो प्लेट लेकर आई, मैं दो प्लेट लेकर आई, देखो दूसरी भुक्कड़, गाइस दोपहर के 2:30 बज चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रिज पे। ब्रिज का मतलब जहाँ पे सेलर सेल करते हैं, हम वहाँ पे जाने वाले और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसा दिखता है और एक्सपीरियंस क्या है, मैं आपसे वो भी शेयर करूँगा। सब रेडी हो चुके हैं, इसमें मेरी मॉम के मॉम थोड़ी आलस कर रही है आज और थकी हुई है। कोई नहीं खुला, चलो लेट्स गो टू द ब्रिज एंड लेट्स ईट समथिंग गुड। तो ये एक अलग सेक्शन है और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है स्टार लाइट,
जहाँ बहुत अच्छा खाना मिलता है। भाई की अच्छी खासी ड्यूटी लगी है। एक बहुत बढ़िया अभी प्ले देखा है हम लोग ने और अभी 8 बज गए हैं और अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे 360 डिग्री एक कैमरा है जो आपके इर्द गिर्द घूमता है और एक अच्छा सा वीडियो बनता है तो मॉम और प्रियंका करने वाले हैं। अभी तक मेरा एक्सपीरियंस बहुत 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 ज़्यादा अच्छा रहा है। मैं बहुत लकी हूँ कि मैं कौडिल्या में आया हूँ और इतनी मज़े आए। बट एक बात मैंने नोटिस की है, जितने भी स्टाफ क्रू मेंबर्स है ये क्रूज़ में, गाइस इतने ओवरवेलमिंग, दे आर सो पोलाइट, दे आर सो स्वीट कि आपको अंदाज़ा भी नहीं है। सब के सब इतने प्यारे हैं, मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा है आपको पता नहीं। एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आप लोग आओगे यहाँ पे वाईफाई बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, आई मीन नेटवर्क कभी नहीं मिलेगा आपको क्योंकि यू गो इन द मिडल ऑफ द सी एंड देयर इज नो नेटवर्क ओवर देयर, तो सिर्फ सैटेलाइट वाईफाई यूज़ किया जाता है जो बहुत महंगा है, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। मतलब अगर आपको 4 GB चाहिए तो दैट इज़ अबाउट वॉट $90। मैं अभी यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक पिक्चर डालूंगा, आप देख लेना, बहुत ज़्यादा महंगा होता है। और वैसे फैमिली के लिए बहुत अच्छा है, यहाँ पे आप फैमिली को लेके आ सकते हो और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ के स्पेशली रूम्स, और रूम्स वो भी बालकनी वाले, दे आर द बेस्ट, बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को। और अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो तो जिम शिम बहुत ज़ोरों से करना आने से पहले, क्योंकि डेफिनेटली आप लोग बहुत वेट पुट ऑन करोगे क्योंकि यहाँ क्रूज़ का खाना इज़ आउटस्टैंडिंग। हम लोग ठूसरे, अगर आप मेरे ब्लॉग्स में देख रहे हो, हम लोग दो दो प्लेट खा रहे, इतना बढ़िया है खाना। डे टू, हाँ मैं ब्लॉग अपना ख़त्म करने वाला हूँ, हम बहुत बहुत थक चुके हैं अभी और कल बहुत लंबा दिन है क्योंकि हम आज़ादी आइलैंड पे जा रहे हैं, बहुत और बस।